श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और पंडित जी की भी सावन शिव महापुराण कथा चल रही है, जिस कथा में दोस्तों पंडित जी ने 10-12 बेलपत्र का एक नया उपाय बताया है, मतलब 10-12 बेलपत्र की माला बनाने वाला एक नया उपाय बताया है। अब वो उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस जगह पर करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। ये उपाय बिल्कुल ही नया है और आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो पंडित जी नया उपाय बताते हैं, पहली बार बताते हैं, और उस उपाय को सुनकर जो लोग उस उपाय को पहले करते हैं, जल्दी करते हैं, भाई उन लोगों को उस उपाय का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसलिए दोस्तों सावन का महीना अभी भी बहुत बाकी बचा हुआ है, तो भाई अपने हाथ से ये मौका बिल्कुल मत जाने देना। भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का इस उपाय के जरिए बहुत अच्छा मौका है, तो भाई इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से इस सावन के महीने में नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। ये उपाय दोस्तों बहुत ही आसान है, सभी लोग कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए, या सिर्फ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, है ना। आप किसी भी लिए ये वाला उपाय जो है कर सकते हो। अब इस उपाय में आपको करना क्या होगा वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय है ये बेलपत्र की माला वाला उपाय है ना, इसमें हमें बेलपत्र की माला बनाना है। पर आप लोग एकदम से सुनकर बेलपत्र की माला मत बनाने लग जाना, क्योंकि इस उपाय का जो फल है वो सिर्फ आपको बेलपत्र की माला बनाने से नहीं मिलेगा, वो आपको उपाय को पूरी विधि को करने से मिलेगा। उपाय बहुत आसान है, पर उपाय को करने की जो विधि है वो पहले आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हो, और सावन के बाद जो भी विशेष दिन पड़े, है ना। और अगर आप लोगों का मन करे कि भाई नहीं हमें आज इस वाले उपाय को करना है, तो भाई आप उस दिन भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर सावन के महीने में इस जो उपाय है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है ना। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये बेलपत्र की माला वाला उपाय है, और इस वाले उपाय को आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हो और इसके बाद भी किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा, है ना। अब इस उपाय को करेगा कौन? देखो, घर में से सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं, और घर में से कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अपने पूरे घर परिवार के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है, या आप सिर्फ अपने लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। पर इस उपाय को करने के लिए आपका किस्मत वाला होना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते हैं, वो आपको आगे समझ आएगा कि इस उपाय को करने के लिए हमें क्यों किस्मत वाला होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जब आप इस उपाय को करो तो कभी भी मतलब खाली हाथ आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है। उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपको जब भी कुछ लेकर जाना है, ठीक है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको कब करना है? सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। मुख्य रूप से सुबह के समय करना है, बाकी नहीं कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उपाय को करने के लिए शुद्धता का आप लोगों को ध्यान रखना है, और घर में से किन लोगों को करना है उपाय हमने आपको पहले ही बता दिया, कोई एक भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के लिए कोई एक सदस्य भी मतलब इस वाले उपाय कर सकता है, और सभी लोग अपने अपने लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, पर कर वही पाएगा जो किस्मत वाला होगा, ठीक है। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेलपत्र की माला वाला उपाय है, तो बेलपत्र आप लोगों को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोगों को मात्र कच्चा सूत लेना है। क्या लेना है? कच्चा सूत। कच्चा सूत आप जानते हो क्या होता है? कच्चा धागा होता है ना, तो कच्चा धागा आप लोगों को लेना है। अब ये कच्चा धागा कहाँ पर मिलेगा? सीधी सी बात है, पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, और बहुत सारे लोगों के घर पर पहले से पूजन वाली जगह पर कच्चा सूत या कच्चा धागा जो है पहले से रखा होगा। तो मात्र आपको इस उपाय को करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर एक कच्चा सूत लेकर पहुंचना है, ठीक है। एक कच्चा सूत तो आप अपने साथ में लेकर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, पर उपाय करने जा रहे हो तो भगवान शिव जी को हमें ये नहीं दर्शाना है कि हम सिर्फ उपाय करने के लिए आ रहे हैं, हमें कुछ पूजन सामग्री भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए लेकर जानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हो, हम जब भी किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर, तो भाई हम खाली हाथ तो ऐसे जाते नहीं, कुछ ना कुछ भले छोटी से छोटी चीज लेकर जाते हैं, पर जरूर लेकर जाते हैं। उसी तरीके से हमें कभी भी सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर चढ़ाने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए कुछ सामग्री जरूर लेकर जानी चाहिए। भले ही एक बेलपत्र ही क्यों ना हो, एक फूल ही क्यों ना हो, या कोई छोटी से छोटी चावल का दाना भी क्यों ना हो, कोई छोटी से छोटी सामग्री भी क्यों ना हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग इस वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो तो कम से कम अपना एक लोटा जल लेकर जाना, ठीक है, एक लोटा या दो लोटा। सावन के महीने में कर रहे हो तो दो लोटा जल लेकर जाना, और बाकी अदर किसी महीने में कर रहे हो तो एक लोटा जल लेकर जाना। एक लोटा जल लेकर नहीं जा रहे तो भाई एक फूल लेकर जाना, सफेद फूल लेकर जाना शिवलिंग पर चढ़ता है, या एक चावल का दाना लेकर जाना, पर कुछ ना कुछ सामग्री जरूर लेकर जाना जब आप इस उपाय को करने वाले हो, ठीक है। और हो सके तो भाई आप अगर प्रतिदिन रोज पूजन सामग्री लेकर जाते हो तो अपनी सारी पूजन सामग्री लेकर जाना, बस अपने साथ में कच्चा सूत जरूर लेकर जाना, है ना।
उपाय को करने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज जो चीज़ है वो है कच्चा सूत, है ना, कच्चा धागा, जो कि आपको अगर आपके पास नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कच्चा सूत लेकर और अपनी पूजन की जो भी आपकी सामग्री है वो लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। अब वहां पर जब आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करना, भगवान की चौखट के दर्शन करना, अंदर प्रवेश करना, भगवान के दर्शन करना, ठीक है, और पहले जाकर अपनी पूजन करना। अभी उपाय क्या है वो हम आपको पूजन के बाद बताएंगे। पहले जाकर अपनी पूजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र लाए हो पूजन के लिए तो वो चढ़ाना, फूल लाए हो या चावल का दाना लाया हो या हरे मूंग का दाना लाया, जो भी आप अपने पूजन के लिए लाए हुए हो शिवजी पर चढ़ाने के लिए, वो आप लोग पहले जाकर समर्पित कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने समर्पित किया, अब समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको बैठना है शिवलिंग के पास में, ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठना है, शिवलिंग के दूर नहीं बैठना है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकांत में बैठना है, आपको बिल्कुल शिवलिंग के पास में बैठना है कि आपका शिवलिंग से हाथ टच हो जाए। क्या टच हो जाए? हाथ, है ना, तो हाथ टच हो जाए, ऐसे आपको शिवलिंग के पास में बैठना है। जब आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओगे तो दोस्तों इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अभी शिवलिंग को छूना नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है कि शिवलिंग पर जो पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र है वो चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इस उपाय को वही लोग कर पाएंगे जो किस्मत वाले होंगे, तो किस्मत का खेल यहाँ पर हो रहा है कि जब आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो और अगर आप लोगों को शिवलिंग पर बेलपत्र 10-12 बेलपत्र चढ़ी हुई मिल गई तो भाई आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर 10-12 बेलपत्र चढ़ी हुई नहीं मिली, 1-2 बेलपत्र मिली, तो भाई आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगले दिन आपकी किस्मत शायद हो सकती है अच्छी, है ना। तो भाई यहीं पर हम आप लोगों को कह रहे थे भाई यहाँ पर जो है ये उपाय वही कर पाएगा जिसकी किस्मत अच्छी होगी। तो शिवजी के मंदिर जाकर पूजन करके शिवलिंग के पास में बैठकर आपको सबसे पहले ये देखना है कि शिवलिंग के ऊपर कितनी बेलपत्र चढ़ी हुई है। अगर शिवलिंग के ऊपर 5 से ज्यादा या 8-9-10-10-12 बेलपत्र चढ़ी हुई है तो भाई आप लोग अपना ये वाला उपाय कर लोगे, और अगर 5 से कम बेलपत्र हैं, ठीक है, या 6-7 बेलपत्र हैं तो भी चल जाएगा, पर अगर 5 से कम बेलपत्र हैं तो आप अपना ये वाला उपाय नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है, ये वाला उपाय हमें शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही करना है। हमने आपसे बोला था कि आपको जो है बेलपत्री की माला वाला उपाय करना है, पर बेलपत्री आपको अपने साथ में लेकर नहीं जाना है, बेलपत्री आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई ही लेना है, है ना। और बस अपने साथ में क्या लेकर जाना है? कच्चा सूत लेकर जाना है, क्योंकि वो आपको शिवजी के मंदिर में नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल भी सकता है पर आपको अपने साथ में कच्चा सूत लेकर जाना है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आपको बेलपत्र मिल गई है ना, वैसे कोशिश करना आपको 10 कम से कम बेलपत्र मिल जाए, है ना, 10 बेलपत्र मिलेंगी तो ज्यादा आपको अनुभव होगा, ज्यादा आपको आनंद आएगा उपाय को करने में, ठीक है। तो 10-12 बेलपत्र अगर आपको मिल चुकी हैं तो आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो वहीं पर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में बैठकर, है ना। अब सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई है भाई उन बेलपत्र में से 10 या 12 बेलपत्र आप लोगों को उठा लेना है, ठीक है। अच्छी अच्छी साबुत बेलपत्र जो है शिव जी से मतलब आज्ञा लेकर कि शिव जी हम जो है आपके लिए एक माला बना रहे हैं जो कि इन्हीं बेलपत्र से बना रहे हैं, तो क्या हम आपकी शिवलिंग से ये 10-12 बेलपत्र ले लें? तो आप ऐसे बोलते हुए उसके बाद फिर शिवलिंग से अच्छी अच्छी 10-12 बेलपत्र उठाना शुरू करना, पहले आज्ञा लेना उसके बाद अपनी 10-12 बेलपत्र उठाना शुरू करना। अब जैसे ही आप लोग अपनी 10-12 बेलपत्र उठाते हो, उठाने के बाद दोस्तों अब आपको इनको धोना है, ठीक है, अपने साथ में कुछ जल रखना ताकि आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई इन बेलपत्रों को पहले धो सको, क्योंकि जो भी हम शिवलिंग से बेलपत्र उठाते हैं अगर हमें उन्हें डबल से उपयोग में लेना है तो हमें उन्हें धोना पड़ता है ना। तो 10-12 बेलपत्र जो आपने उठाई है बेलपत्र की माला वाला उपाय करने के लिए उनको पहले धो लो, 10-12 बेलपत्र को अच्छे से धो लो, है ना। धोने के बाद फिर अपने पास रखो और अब अपने कच्चे सूत से क्या करो, इन 10-12 बेलपत्र से माला बनाओ। अब आप कहोगे भाई माला बनाने के लिए तो हमें सुई की आवश्यकता होगी, पर दोस्तों ध्यान रखना इस उपाय को करने के लिए आपको कोई सुई की आवश्यकता नहीं होगी, ना आपको इसमें सुई लगानी है। बेलपत्री में और तुलसी जी की पत्ती में कभी भी सुई नहीं लगाई जाती है, ध्यान रखना इस बात का। आपको करना क्या है, फिर माला कैसे बनेगी? तो जो बेलपत्री 10-12 आपने निकाली है उन 10-12 बेलपत्र की एक एक डंडी भी होगी, देखा होगा आप लोगों ने बेलपत्र की पीछे की डंडी होती है। तो आपको अपना क्या करना है, सबसे पहले तो कच्चा सूत लेना है और कच्चे सूत की थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लोगों को जो है पहली बेलपत्र उठाना है। पहली बेलपत्र की जो डंडी होगी उस डंडी के ऊपर अपना ये कच्चा सूत थोड़ा लपेटना है, 2-3 बार लपेट दोगे तो वो अच्छा मतलब टाइट हो जाएगा, ठीक है। एक बेलपत्र आपने अपने कच्चे सूत पर बांधी, फिर उसके बाद में तो जो दूसरी बेलपत्र बांधोगे वो थोड़ा सा गैप छोड़कर बांधोगे, मतलब अपने ही कच्चे सूत में आगे जब बढ़ोगे आप लोग तो थोड़ा सा गैप छोड़ना, फिर अपनी दूसरी बेलपत्र की जो डंडी है उसको लेना और उसको कच्चे सूत से बांध देना, ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी तीसरी बेलपत्र लेना, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के आप लोग ये माला अपनी बनाना, ठीक है। जिस तरीके से फूल की माला जो है थोड़ा गैप गैप दे दे के बनती है, वैसे आप लोगों को ये वाली माला बनानी है। बस इसमें आप लोगों को जो है छेद नहीं करना है, इसमें आप लोगों को जो बेलपत्र की डंडी है उन्हीं को जो है बांधते जाना है थोड़ा गैप दे दे करके। इसी तरीके से
आपको 10 बेल पत्र मिली है तो 10 बेल पत्र की आप लोग बराबर बराबर गैप देके एक माला बना लो, ठीक है। माला जैसी आपकी बन जाती है तो उसे एक एक दूसरे से जो है बांध देना, ठीक है, क्योंकि खुली रहेगी। आपने अभी कच्चा सूत किया है, जब आप दूसरी जगह से कच्चा सूत तोड़ोगे तो पहली जगह का और आखिरी जगह का कच्चा सूत बांध देना, जिससे कि अब आपकी ये माला तैयार हो जाएगी, ठीक है। पर ध्यान रखना, बेलपत्र की डंडी में बांध बांध कर ही आप लोगों को ये माला बनानी है। 10 बेलपत्र मिल गई, उपाय आप लोग कर सकते हो। 10-12 बेलपत्र की जब आप लोग अपनी माला बना लेते हो तो भाई माला बनाने के बाद इस माला को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित कहने का मतलब है कि पहनाना है। जब आप लोग फूल की माला लेकर जाते हो तो कैसे बनाते हो, वैसे ही शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को इस बेलपत्र की जो माला है इसको पहनाना है। अब जब आप लोग इस बेलपत्र की माला को शिवलिंग पर पहना दोगे तो भाई आपको भगवान से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, मनोकामना या दुख और परेशानी कुछ नहीं बोलना है, बस माला जैसी चढ़ा दो। माला चढ़ाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको शिवलिंग के पास में बैठकर ही जाप करना है। एकदम से उपाय करके जाना नहीं है, पहले शिवलिंग के पास में बैठना, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, ठीक है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है, भगवान के दर्शन करके भगवान को धूप देकर वहां से उठ जाना, ठीक है। और दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति ये वाला उपाय करता है उसको अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अगले जन्म में भगवान शिव जी के पास पहुंच जाता है, भगवान शिव जी का सेवक बन जाता है। और जो भगवान शिव जी के पास में चला जाता है भाई, उसके तो भाग्य चमक जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये वाला उपाय आपको सुबह करने के लिए तो बता दिया है, पर अगर कोई व्यक्ति ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहा है तो उसे अपने साथ में क्या लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तो हम एक लोटा जल लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा जो भी चावल का दाना है, बेलपत्र है, वो अलग से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, ठीक है। पर शाम के समय हम क्या विशेष लेकर जाएंगे, तो देखो जिस तरीके से सुबह के समय आप लोगों को विशेष रूप से एक लोटा जल लेकर जाना है, उसी तरीके से शाम के समय आप लोगों को मुख्य रूप से अपना एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना है, ठीक है। घी का दीपक तैयार करके फिर अपने साथ में कच्चा सूत जरूर रख लेना। कच्चा सूत रखने के बाद फिर आप लोगों को अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, वहां पर उपाय करने के लिए जाना है। देखो उपाय आप सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को प्रदोष काल में कर रहे हो, जो विधि हमने आपको बताई उपाय करने की वो एक सी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बस उपाय जब भी करो भाई ध्यान रखना कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है उन्हीं से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप अपने घर से 10-12 बेलपत्र ले गए, आपने शिव जी पर चढ़ाया और आपने उन्हीं बेलपत्र से उपाय कर लिए, तो ये किस्मत वाली बात नहीं होगी। आपको तब किस्मत वाला माना जाएगा कि भाई आप शिव जी के मंदिर गए और आपने बस अपनी एक बेलपत्र चढ़ाई है जो कि आप अपने लिए लेकर आए हुए हो शिव जी पर चढ़ाने के लिए, तो भाई वो बेलपत्र भले ही आप चढ़ा सकते हो पर 10-12 बेलपत्र लाकर नहीं चढ़ाना है, ठीक है। शिव जी पर पहले से जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उन बेलपत्र से आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है, और फिर उपाय करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना कुछ नहीं बोलना है, ना दुख और परेशानी बोलना है, बस 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करके वहां से उठ जाना है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों भगवान आपकी सारी चीजें सुधार देते हैं, आपका अगला जन्म भी सुधार देते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस उपाय को जरूर करके देखना है। इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट bhulnathbhakti.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले वासुदेव शिवाय, नमस्तुभ्यम।